करेंगे अलग अलग कांसे में जो जगह हैं, जैसे कोबे, हिमेजी, क्योटो, नारा। और इसके थ्रू मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जापान जो है वो असल में रहने वाले जो जगह हैं और जिस तरह से स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरह से जॉब करते हैं और जापान किस तरह की कंट्री है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश अगर आप ऐसी जगह को विजिट कर रहे हैं। कांसाई एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको साउथ जापान या फिर मिडल साउथ जापान के हिसाब से समझ सकते हैं। इसमें मेन मेन सिटीज़ आती हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हिमेजी, क्योटो, नारा, कोबे, ओसाका, ये सब सिटीज़ जो हैं ये कांसाई कहलाती हैं। कांसाई के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो हम जैसे समुद्र से समुद्र के बिल्कुल पास आ गए हैं, एयरपोर्ट पे हम लैंड करने वाले हैं, तो कांसाई एयरपोर्ट जो है वो इन इन जगहों पर अगर आपको जाना है, ओसाका, कोबे, क्योटो, नारा, हिमेजी वगैरह, तो कांसाई एयरपोर्ट ही अप्रोचेबल होता है। और अगर आपको टोक्यो, योकोहामा, चिबा इन सब एरियाज़ में जाना है तो नारिता एयरपोर्ट। फिलहाल हम उतर रहे हैं कांसाई एयरपोर्ट पर। व्यू बहुत अच्छा है और ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है क्योंकि ये बना ही समुद्र पर है, ये तो बेसिक नॉलेज है, आपको पता ही होगा या पहले से जानते होंगे। और कांसाई एयरपोर्ट से मेन लैंड में अप्रोच करना काफ़ी इजी है। कांसाई एयरपोर्ट से इमिग्रेशन क्लियर करते ही, बैगेज क्लियर होते ही सामने से ही मेट्रो जैसे मतलब जैसे ट्रेन्स होती हैं वो आप पकड़ सकते हैं या फिर आप बस से जा सकते हैं। सबसे पास जो सिटी है वो ओसाका ही है, उसका जो सेंटर है वो नाम्बा, दोतोमुरी, ये सब एरियाज उसके सेंटर में पड़ते हैं। अराउंड अगर हम येन्स में बात करें तो 1000 येन या फिर 1500 येन आपका खर्चा आएगा अगर आप ट्रेन या बस से जाते हैं तो। और इसमें जो अप्रोचेबिलिटी है वो बिल्कुल एयरपोर्ट से ही स्टार्ट होती है, एयरपोर्ट के इमिग्रेशन और बैगेज चेकिंग के बाद ही ओसाका एयरपोर्ट से बाहर आके सॉरी ओसाका एयरपोर्ट से अंदर से ही आप बस या फिर टैक्सी, कैब या फिर ट्रेन को हायर कर सकते हैं और उससे आप मेन लैंड ओसाका के अंदर जा सकते हैं। कांसाई एयरपोर्ट के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है और जैसे जैसे हम लैंड कर रहे हैं वैसे वैसे ये मतलब मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है कि अब हम जापान में टच डाउन करने वाले हैं। और जापान जो है एक सी से घिरा हुआ लैंड है, टोटल सी से घिरा हुआ लैंड है, तो फूड भी मेनली सी फूड होता है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ऑल द बेस्ट। ओसाका एयरपोर्ट एंड आज से हम डेली एक एक सिटी को एक्सप्लोर करते करते ये देखेंगे कि जापान में क्यों रहा जाए और जापान में सस्ता रहने का तरीका क्या होता है। कोबे में और ये जो जगह है ये काफ़ी एक डाउनटाउन मार्केट की तरह या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सस्ते में बहुत अच्छा अच्छा सामान खरीदना होता है, जैसे कि जो डेली लाइफ नेसेसिटीज, जैसे कि हम देख रहे हैं एक है 100 येन शॉप, वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी खाने पीने की भी बहुत बहुत अच्छी शॉप्स हैं, तो चलिए लेट्स डिस्कवर। बहुत ही हैपनिंग प्लेस पर जिसको कहते हैं निप्पन बाशी दोतोमबुरी और जिनसे मैं आपको आज मिलवाने आया हूँ वो बहुत ही फेमस यूट्यूब पे आजकल होते जा रहे हैं जिनका नाम है रोम रोम जी पवन लोमोर। और क्या वहाँ जा रही है, क्या हाल चाल है भाई? अरे यार बस वक्त तो यहाँ पर मस्त कटता है, ठंड हो रही है। और बताओ खाना पीना? ऐश खाना, अभी भूख लग रही है। खाना पीना है, चलो फिर खाना पीना बनाते हैं, मतलब खाते हैं और उसमें वीडियो बनाते हैं। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं ओसाका के मेन लैंड यानी कि नाम्बा यानी कि दोतोमबुरी। सेन निचिमाय जो है दोतोमबुरी के बिल्कुल पास है और यहाँ पर बिग कैमरा, पोको लॉट, ये सब बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े योदोबाशी सॉरी यामादा देंकी जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स भी हैं। और जिस तरह से सबसे पहले व्यू हम देखते हैं, ये एक रोड क्रॉसिंग का जो व्यू है वो वहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि जापान जो है कितना सिस्टमेटिक है। यहाँ पर जैसे लोग रेड लाइट का ग्रीन होने का वेट कर रहे हैं और इसके बाद जब ग्रीन हो जाएगा तो सब लोग वॉक करेंगे। उस समय देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग अगर बिल्कुल जो जापान में रहा हुआ है उससे अगर आप बात करेंगे, उससे अगर आप पूछेंगे तो आपको ये ज़रूर वो कहेगा कि यहाँ पर कार्स और पेडेस्ट्रियंस का एकदम स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है। ट्रैफिक जो है वो आपको देखना भी नहीं है लेफ्ट राइट को आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मेरी वॉकिंग की लाइट ग्रीन है तो
तो मैं आराम से उस रोड को पार कर सकता हूँ। तो अब हम घुसने वाले हैं द अदर साइड ऑफ बिग कैमरा, जो कि योदोबाशी का ही दूसरा पार्ट है, नाम्बा का ही सेंट्रल एरिया है। इसको शॉपिंग आर्केड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर इसको जापनीज लैंग्वेज में, इस वर्ड का अगर हम जापनीज लैंग्वेज ट्रांसलेशन देखते हो, शोतेन गाई आता है। शोतेन गाई उस जगह को कहते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी पॉपुलर शॉप्स को एक ही स्ट्रीट में असेंबल किया हुआ है, मतलब उनको उनका क्लस्टर एक ही जगह पर होता है, जहाँ पर आप अलग अलग तरह की फैशन शॉपिंग, फूड शॉपिंग, एक्सेसरीज, शूज़, बेल्ट, टाई, गिफ्ट आइटम्स, केक, पेस्ट्री, ये सब आप आराम से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे छोटे छोटे कैफेटेरियाज होते हैं, छोटे छोटे शॉपिंग जैसे कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं, तो इनमें जो नए नए जापान में पहुँचे हैं वो एकदम से शॉपिंग स्टार्ट ना करके वो ये देखें कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, उनका क्या क्या प्राइस है, और सबसे पहली बात कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से ख़रीदना स्टार्ट करें। देखिए, जापान जो है एक बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली कंट्री है, इसमें अगर आपने परचेजिंग करनी स्टार्ट कर दी तो ये आपको बहुत ज़्यादा परचेजिंग करवा देगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत ही सारी वैरायटी। अगर आप सिर्फ एक किट कैट की बात करें तो किट कैट की वैरायटी लगभग 100 से भी ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएंगी, 100 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स मिल जाएंगे सिर्फ किट कैट के। अगर हम कोका कोला की बात करें तो कोका कोला के भी 20 या 22 से ज़्यादा फ्लेवर, जिसमें पीच फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, मिंट फ्लेवर, अलग अलग तरह के फ्लेवर कोका कोला में ही मिल जाएंगे। तो वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी क्वालिटी के, इतने अच्छे टेस्ट के असेंबल किए होते हैं, इतने वाइड रेंज में रखे होते हैं कि ऑब्वियसली कंज्यूमर का मन करेगा कि मैं उनको खरीदूं। लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पे अगर आप रियूबक करने आए हैं जापान में, फॉरेन स्टडी करने आए हैं जापान में, जापानीज लैंग्वेज पढ़ने आए हैं, तो पहले आप देखिए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, इन चीज़ों को देखिए, और उसके बाद फिर आप सेलेक्ट कीजिए कि मुझे कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से खरीदनी है। फिलहाल इस टाइम हम हैं नाम्बा के निपोनबाशी एरिया के अंदर, और अब हम जा रहे हैं दोतोंबुरी, यानी कि वो एरिया जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फॉरेन विजिटर्स के लिए। फॉरेन विजिटर्स मतलब आपको यहाँ पर चाइनीज़, कोरियन सभी दिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक काफ़ी एक तरह से पब्स वगैरह का हब है और क्लस्टर है यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी खाने पीने की शॉप्स, और बहुत ही देखने में सुंदर है। अब जिस आर्केड में हम आ चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी मतलब मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, जैसे H&M, न्यू वोल्ट, इन सब के ब्रांड्स यहाँ पर हैं, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भी यहाँ पर, बिग कैमरा के भी अलावा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भी काफ़ी सारे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है आज शाम तक मैं आपको पूरा ये नाम्बा और ओसाका के एरिया से पूरी तरह से आपको नॉलेज दे दूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे परचेजिंग कहाँ से करनी है, मुझे रहना कैसे है, मुझे शॉपिंग कहाँ करनी है, और मुझे अपनी कॉस्ट कैसे बचानी है। देखिए, कॉस्ट बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम अगर जापान में रह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने लाइंड अप होती हैं, तो उन चीज़ों को एकदम से अट्रैक्टिव होकर ना खरीदें। अभी पहले आप ये देखें, अगर हम पर मंथ की बात करें, एक महीने की कॉस्ट की बात करें, तो देखिए एक महीने की कॉस्ट अगर सिर्फ खाने पीने की बात करूँ इंडियन रुपीज़ में, तो इंडियन रुपीज़ में अपनी एक महीने की कॉस्ट को 20,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़ इतने में भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने कंट्रोल नहीं करा तो ये कॉस्ट आपकी 40,000, 50,000 तक भी जा सकती है। तो ये जो है, ये एरिया है दोतोंबुरी जो मैं आपको बता रहा था, और दोतोंबुरी के अंदर ये भी बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है, जो ये जो पानी का जो स्ट्रीम है, इसमें बोटिंग से भी टूरिज्म किया जाता है, काफ़ी आगे तक बोट जाती है और वापस आती है, उसके अंदर आपको जो गाइड है वो अलग अलग चीज़ें बताती हैं। तो ये चीज़ें बात के लिए, अगर आप किसी के साथ जाएं, आपको कोई इनवाइट करे, इसके अंदर आप उनके साथ घूमने जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल बाहर से ही देखिए, जापान में जैसे फोटोग्राफ खींचना, वीडियो खींचना कोई भी ज़्यादा प्रोहिबिटेड नहीं होता है, फ्रीली आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के आप खा पी सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। यूजुअली जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, ये हमेशा ही ओपन रहता है, 24 आवर्स ओपन रहता है। मैं यहाँ पे रात को भी गया हूँ, दिन में भी गया हूँ, तो ये हमेशा भीड़ भाड़ वाला रहता है। ये इसी तरह से बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो है वो रात में लाइट अप हो जाती है। मेरी पूरी कोशिश है आज भी मैं रात को लाइट अप सीन आपको दिखाऊंगा, मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मैं आपको ये लाइट अप सीन दिखाऊंगा यहाँ पर क्या होता है। और इसके साथ साथ
मैं बात कर रहा था कॉस्ट की, तो कॉस्ट में सबसे पहले आप अपना फोकस रखिए कि एक महीना शुरू मैं सिर्फ स्टडी करूँ, मैं ये देखूँ कि जापान में लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा मेंटेन किए किए करने के साथ साथ मैं अपनी कॉस्ट को कैसे बचा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े ब्रांड्स से मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं जब जापान में पहली बार आया था तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी चीज़ें, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर डाली और मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर डाले। तो इसलिए मैं आपको ये लर्निंग देना चाहता हूँ और बाद में जाके आप इस चीज़ को ये भी देखेंगे कि ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके साथ ऐसा ना हो। इसलिए सबसे पहले गो एंड ट्रेवल एंड एन्जॉय। तो आज हम मिले पवन भाई से और हमने खाना पीना खाया, घूमे फिरे नाम्बा, जो कि एकदम बहुत ही हैपनिंग जगह है और हमने आके इसको और भी हैपनिंग बना दिया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, फिर मिलेंगे।